हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुछ मिले हैं दोनों की जेब में? सर ये दो आधार कार्ड मिले हैं, एक का नाम मदन है और दूसरे का राजू। कुछ और? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, इन दोनों के एड्रेस नोट करो। सर ये देखिए, ये भी पानी में था? नोट के बंडल से सर। ये नोट पानी में कोई क्यों फेंकेगा? आप लोगों को ये दो लाशें ही मिली? जी नहीं, मतलब पैसे वैसे नहीं मिले ना? सर ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। देखो मर्डर का मामला है, जो कुछ भी छुपाया चुपचाप दे दो, वरना एविडेंस छुपाने के चक्कर में तुम सब जेल जाओ। है कुछ?
एक ही नदी में इन दोनों की डेड बॉडीज और इतने सारे पैसे, कोई इत्तेफाक तो नहीं है? दोनों जो कोई भी है, इनका है, इस पैसे के क्रेडिट से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। लग तो रहा है पैसों के चक्कर में हुआ ये सर। तो बीच में चल के देखते हैं। सर, लगता है कोई बड़ी गाड़ी ने आके ठोका है। टायर के मार्क्स देख के लगता है कोई ट्रक वगैरह होगा। आई एम श्योर वो पैसों का क्रेट इसी ट्रक में आया होगा। किसी कार में तो कोई लाएगा नहीं इतने सारे क्रेट। सर, खून है सर। खून? रेलिंग पे खून है। किसी ने दोनों को गोली मार के यहां से फेंक दिया होगा नदी में। अगर गोली चली है तो आसपास गोली का निशान भी होना चाहिए। देखो जरा कुछ मिलता है क्या? दया, इतने सारे फायर के निशान हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे तो अंधाधुंध गोली चली है, जैसे कोई भाग रहा हो और पीछे से कोई गोलियां चला रहा हो। लेकिन सर, उन दोनों बॉडीज को देखकर तो लगता है कि किसी ने नजदीक से शूट किया। सर, लेकिन यहाँ से कोई कैसे कूदा होगा? देखो, फोन वहां भी है और यहाँ भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू और मदन के अलावा किसी तीसरे को भी गोली लगी हो कल रात यहाँ पे? सर, मछुआरों को तो दो ही बॉडीज मिली, फिर तीसरा कहाँ गया? है तो कोई बड़ा चक्कर यार। एक ट्रक आके यहाँ पे एक्सीडेंट करता है, दो लोगों को गोली मार के नदी में फेंक दिया जाता है, और वो नोटों से भरा क्रेट वो भी, और तीसरा आदमी गायब। ये भी तो हो सकता है कि ट्रक मदन या राजू चला रहा है। हेलो ऑफिसर्स, मायसेल्फ जयवंत खोसला, इंटेलिजेंस ब्यूरो। यहाँ किस सिलसिले में? मैं एक टॉप प्रायोरिटी केस पे काम कर रहा हूँ। मुझे टिप मिली थी कि एक बहुत बड़ा इलीगल कंसाइनमेंट आने वाला है। मैंने आसपास के सारे मेजर हाईवेज और जंक्शंस पर नाकाबंदी करवा दी थी, लेकिन लोकल पुलिस को वहाँ से कुछ नहीं मिला। जरा खुल के बताएंगे? मुझे पता चला है कि आप लोगों को कुछ क्रेट्स मिले हैं नोटों से भरे हुए। हाँ, मिले तो हैं। आप जरा बताएंगे आप किस केस पे काम कर रहे हैं? हमें यहाँ पे दो बॉडीज भी मिली है नोटों के अलावा। इनका कोई आपस में कोई कनेक्शन है क्या? एक्चुअली मुझे पहले वो नोट देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए हमारे साथ। ये सारे के सारे नोट नकली हैं। वाह, नकली है? नकली है? जी हाँ, मैं और मेरी टीम बहुत दिनों से इस केस में लगे हैं। बॉर्डर के पार से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट स्मगल हुआ है, करोड़ों के नकली नोट। ये इतने परफेक्ट है कि इन्हें पहचानना मुश्किल है कि कौन सा असली और कौन सा नकली है। वैसे ये नकली नोटों का कंसाइनमेंट जा कहाँ रहा था? कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, कुछ आइडिया नहीं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने एक टीम बनाई। ऑफिसर बलजीत उस टीम को लीड कर रहे थे। किसी गैंग या किसी पे शक है आपको? जी हाँ, बलजीत को शक था एक गिरोह पे। उसने पूरी प्लानिंग की थी उस गैंग में घुस के इन्फॉर्मेशन निकालने की, पर उस पर अटैक हो गया और उसे गोली लग गई। तो बलजीत जिंदा है लेकिन हॉस्पिटल में है।
क्रिटिकल कंडीशन। अविनाश को भी बलजीत ने हायर किया था इस केस के लिए, लेकिन अब अविनाश भी गायब है। आखिरी बार अविनाश को आप लोगों ने कब कांटेक्ट किया था? कल रात को उसका एक मैसेज आया था कि एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ऑन द वे है, और उसी का पीछा कर रहा था, और उसे इस ऑपरेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली थी, लेकिन वो भी कल रात से गायब है, कुछ पता नहीं है उसका। कल रात को रोड पे मदन और राजू के साथ कोई तीसरा भी था? कहीं वो तीसरा आदमी अविनाश तो नहीं? लेकिन अगर वो जिंदा है तो गया कहाँ? अभी को कुछ नहीं हो सकता, आप लोग प्लीज कुछ भी कीजिए और मेरे पति को ढूंढिए प्लीज। हाँ, उसका बचना बहुत जरूरी है। अविनाश के पास बहुत सारे क्रिटिकल एविडेंसेस हैं, हमें बहुत जल्द उस तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो लोग उस तक पहुंच जाए। देखो प्रीति, तुम्हारे पति अविनाश सही सलामत हो, घबराओ मत। अभिजीत, ये अविनाश जरूर प्रीति से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सर, ये बात तो उन्हें भी पता होगी जो अविनाश को ढूंढ रहे। हाँ, और अविनाश को ढूंढने के लिए वो लोग इस बात का फायदा उठा सकते हैं, मतलब प्रीति की जान को खतरा हो सकता है। मुझे लगता है जब तक ये अविनाश नहीं मिल जाता, प्रीति अगर ब्यूरो में रहे तो सेफ रहेगी। ठीक है अभिजीत, तुम और पंकज जेवन से मिलकर अविनाश का पता लगाओ, और दया, फ्रेडी और पूर्वी को लेकर राजू और मदन की कुंडली निकालो। सर, ये ब्रिज तो वहां है और पानी का फ्लो इस तरफ है सर, गांव की तरह। अविनाश की बॉडी ना तो उन डाइवर्स को मिली है ना उन मछुआरों को। तो उम्मीद करते हैं शायद तैर के इधर आ गया हो और यहीं कहीं हो। पर कहाँ जा सकता है सर? सर, अविनाश बहुत जख्मी हालत में था, अगर वो यहाँ तक आया होगा तो गांव वालों ने जरूर देखा होगा सर, एक बार पूछ के देखें। अरे भाई सुनना जरा। हाँ। हम लोग सीआईडी से हैं। अरे यार घबराओ मत, एक आदमी गायब हो गया, उसको ढूंढ रहे हैं, थोड़ी मदद करो हमारी। जी सर। ये आदमी यहाँ आसपास कोई अस्पताल है क्या? अल्लाह, अस्पताल तो बहुत दूर है, 30 किलोमीटर, वो बाजू वाले गांव में। सर ये तो दूर है, वो बहुत ज्यादा घायल था, नहीं जा पाया होगा सर। अच्छा, आप लोग जब आए होगे मछली पकड़ने आज सुबह, तो कुछ देखा किसी आदमी को, कोई अनजाना आदमी यहाँ गांव में दिखाई पड़ा? ना ना ना, हम लोग सुबह मछली पकड़ने नहीं आते हैं, दो मछुआरे ऐसे हैं जो सुबह सुबह मछली पकड़ने आते हैं। लेकिन साहब, सोचने वाली बात तो ये है कि अगर उनमें से किसी को कुछ मिला होता तो पूरे गांव को पता चल गया होता। वो हम पता कर लेंगे भाई साहब, आप हमें उनसे मिलवा दीजिए जरा। कुछ बताओ ना। एक मिनट। तारिका, आप इन कपड़ों में तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये जो क्रेट्स है ना, इन क्रेट्स में जरूर कुछ मिला है। क्या? ये देखो, मर्करी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर पेराऑक्साइड और भी बहुत सारे केमिकल रेजिड्यूस इनमें से। इसका मतलब ये क्रेट्स ऐसी जगह से आए हैं जहां पर ये सारे केमिकल्स थे, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? शायद मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है कि कुछ लोगों के लंग्स में ये सारे के सारे केमिकल रेजिड्यूज होते हैं। और जानती हो, वो लोग कोल माइंस के आसपास रहते हैं या कोल माइंस में काम करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रेजिड्यू हैं कोल पावर प्लांट के बाई प्रोडक्ट। ये क्रेट्स किसी कोल माइन के आसपास रखी गई थी। इन तारीका, सवाल ये उठता है कि ये ऐसा कोल पावर प्लांट इस शहर में है कहाँ? है ना सर, मतलब शहर में नहीं है, शहर से जस्ट बाहर है। ओके। पता ये लगाना है कि बस ये क्रेट्स वहां से ट्रक में कैसे आए। राइट, योर तारीका, राइट। पता ये लगाना चाहिए कि ये क्रेट्स कोल माइन से उस ट्रक में आए कैसे। साहब, शंकर और रघु दो लोग हैं
जो सुबह सुबह अपनी बोट लेके निकलते हैं। शंकर तो अपने गांव गया हुआ है। हाँ, रघु है जो सुबह सुबह अपनी बोट लेके निकलता है। रघु से पूछ के देखो, शायद कोई बात बन जाए। आओ साहब, इधर बाजू में है उसका घर। ये रहा उसका घर। ए रघु, तेरे से कोई मिलने को आया है। ए रघु, दरवाजा खोलना, तेरे से कोई बात करना चाहता है। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ, घर भी नहीं है क्या? मैं बोला था, कहाँ मर गया? ए रघु, काय हो, क्या हुआ? अरे तेरे से बात करना चाहते हैं, सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ। क्या हुआ साहब? तुझने कुछ बात करनी थी, अंदर चल सकते हैं? साहब यही बात करते ना, क्या हुआ? ये अविनाश नाम के एक आदमी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। कल नदी में शायद डूबा था वो। आज सुबह तुम नदी में नाव लेके गए थे तो किसी आदमी को देखा था क्या, घायल या फिर कोई लाश वगैरह? लाश नहीं तो साहब, मुझे तो कुछ नहीं दिखा था। साहब वो क्या है, मैं तो आज गया ही नहीं था मच्छी पकड़ने को। कल रात तुम जल्दी आ गए थे घर, क्योंकि आज सुबह तुमको नदी में नाव लेके जाना था। ये सब पता है हमें, क्या बात कर रहे हो? मेरा तबीयत खराब था ना साहब, इसलिए मैं गया ही नहीं। ए तू साहब लोगों को इधर काहे को लेके आया? मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। एक मिनट, सच बोल रहे हो ना तुम? अरे साहब एक ही बात को बार बार घड़ी घड़ी पूछेगा तो कैसे बोलेगा? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ याद आ जाए तो बता देना। हाँ सर। थैंक यू। काहे को लेके आए इधर तू? भागिया से अच्छा हुआ तूने मुंह नहीं खोला। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अगर तूने उस शाने को ना उपरिच मरने दिया होता तो अब तुझे छोड़ देते। जा। लेकिन नहीं, तेरे को तो उसको बचाना था। मुझे क्या मालूम था, मैंने सोचा। ए, छोड़ दे। ए, बाहर जा। बाहर अपने से ठोक डालूंगा इसको। बाहर निकल। नहीं, देखो, गोलीबारी से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। चल निकल ना। तुम दोनों घर नीचे रहो। नहीं, अगर ये कदम आगे बढ़ाए ना, मार दूंगा इसको। ठीक है, मार दे, मार दे। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा? हैं? बाहर तो जा नहीं सकते, घर नीचे रख। नीचे रख। ए, वो सही कह रहे। ए, क्या कर रहा तू? नहीं, तू घर नीचे नहीं रखेगा। देख मैं कह रहा हूँ, लॉस्ट बॉडी दे रहा हूँ, मत रख नीचे का। कुछ हासिल नहीं होगा तुम लोगों को। घर नीचे। झूठ बोला हम लोगों से? मेरे बीवी बच्चों को मार देते तो मैं क्या करता? वो आदमी मिला था तुमको? हाँ, मैंने तो निकाला था उसे। कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, मलम पट्टी करके कमरे में सुलाया था। ठीक हो गया, पता ही नहीं चला कब उठ के चला गया। कहाँ गया वो? साफ मुझे कुछ और मालूम है, मैं कैसे बताऊं? सर, सर अब क्या करें? सर ये रहा हमारा कोल पावर प्लांट, उसके आसपास टोटल 4 वेयर हाउसेस हैं जहाँ से वो क्रेट्स हो सकती हैं। ये वाला तो चेक कर लिया, अब बचे ये 3। और सर ये 3 वेयर हाउसेस में से ये 2 वेयर हाउस प्लांट से काफ़ी दूर हैं। इनके और पावर प्लांट के बीच काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, तो इनके अंदर से केमिकल्स क्रेट्स तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। तो बचा ये पावर प्लांट से काफ़ी नज़दीक भी है और इसके आसपास खुली जगह भी है काफ़ी, वही चल के देखते हैं। कौन है आप लोग? क्यों तुम लोगों के मिशन में डिस्टर्ब तो नहीं किया? मिशन बनो मत, हमें सब पता है कौन सा बिजनेस करते हो तुम। बिजनेस? ये आप क्या? सर यहाँ आलू और सब्जियों का काम होता है सर। रेट चेक करो। आप लोग हैं कौन? एक मिनट, अपनी जगह पे खड़े रहो, सीआईडी से हम लोग। नहीं सर। ना कुछ नहीं है? नहीं सर। साहब यहाँ सब्जी भाजी का ही बिजनेस होता है साहब। हमें तुम्हारे इन क्रेट्स में जाली नोट मिले हैं।
जाली नोट? हाँ, जाली नोट। आप चुपचाप मुंह खोलो, जो कुछ भी जानते हो। हाँ? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ जब से काम कर रहा हूँ तब से सिर्फ सब्जियों और फलों को ही ले जाते हुए देखा है। हाँ साहब, फलों और सब्जियों का काम होता है साहब यहाँ। इन दोनों को जानते हो? अरे, ये राजू और मदन है, हमारे ट्रक ड्राइवर। लेकिन सर, इन्हें हुआ क्या है? इनको किसी ने जान से मार दिया। सर, मुझे सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे जो भी माल ट्रक में लोड होता है खुद चेक करते हो क्या? हाँ हाँ सर, मैं एक एक क्रेट खुद चेक करता हूँ। एक एक क्रेट खुद चेक करते हो? जी सर। इसका मतलब है ट्रक यहाँ से निकलने के बाद बीच रास्ते में इन क्रेट में वो जाली नोट्स लोड किए जाते हैं। अच्छा, जरा ये रजिस्टर चेक करो, बताओ कि राजू और मदन माल डिलीवर करने कहाँ जा रहे थे। रजिस्टर में तो यही एड्रेस लिखा था, वो ट्रक तो यहीं पे आने वाला था। सर, लेकिन ये तो शादी का ग्राउंड है। तो वो नकली नोटों का कंसाइनमेंट यहाँ शादी के ग्राउंड में क्यों? सर, मैं मैनेजर को बुला के लाता हूँ, उसी से पूछते। जा। सर। मैनेजर साहब। जी सर। ये शादियों में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के स्टॉक का ऑर्डर आप ही दिया करते हैं? नहीं सर, वो तो जो फैमिली शादी ऑर्गेनाइज करते हैं उन्होंने दिया था, मैं तो केवल लोकेशन रेंट पे देता हूँ। अच्छा, उन फ्रूट्स और सब्जियों में नकली नोट भी होते हैं? नकली नोट? सर, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपने शादी में कुछ अजीब होते हुए देखा था या फिर सुना था? नहीं सर। पंकज जी जो फोटो भेजे थे वो दिखा। दोनों में से किसी को देखा था यहाँ पे? नहीं सर। सर, यहाँ तो शादी की आड़ में कुछ और ही चल रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ सर, चल के दुल्हा दुल्हन को डिस्टर्ब करे क्या? कल यहाँ जिसकी शादी हुई थी हमें पूरी डिटेल चाहिए उनकी। ओके सर। समझ में नहीं आ रहा कि अविनाश जख्मी हालत में जा कहाँ सकता है, अब तक किसी को कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया उसने। उसे समझ नहीं आ रहा हो कि किस पे भरोसा करे किस पे ना करे। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते हैं उसकी जान को खतरा बना रहेगा। एक फोन तो कर लेता कम से कम, पता नहीं कहाँ होगा। देखो प्रीति, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता है। सर, सर उस मछुआरे के यहाँ पे जो आदमी मारा था सर, उसका फोन में बहुत टाइम से एनालाइज कर रहा था। तो कुछ मिला? सर, पहले तो बहुत मुश्किल हुई, पूरा फोन खाली था, उसे सब डिलीट कर दिया था, लेकिन सर मैंने सॉफ्टवेयर से सब रिकवर कर लिया। मतलब जैसे आप मैसेजेस डिलीट करते हैं तो मैसेज फोल्डर में से तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन बैकअप फाइल में जाके वो सेव हो जाता है आर्काइव्स में, वहां से आप रिकवर कर सकते हैं। सर ये देखिए, ये तो कोई कोडवर्ड जैसा लग रहा है। हाँ सर, मैंने इसे क्रैक कर दिया। आज तक जितने भी कंसाइनमेंट आए थे सर, ये मैसेजेस उनके बारे में, मगर ये लास्ट मैसेज देखिए सर। टारगेट 4.03। यार ये 4:03 पे कुछ होने वाला है क्या कहीं? ओ नो, बलजीत हॉस्पिटल में एडमिट है, रूम नंबर 403। सर मतलब ये जरूर बलजीत को मारने वाले हैं वहां पर। 403 वहां पहुंचना होगा जल्दी से जल्दी। सर, बेड नंबर 3 की ECG रिपोर्ट आ गई है। बाकी की रिपोर्ट मुझे हर 3 घंटे में चाहिए, ठीक है? सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे भाई की जान बचा ली, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहेगा। विनोय। यस। आप लोग? हम लोग CID से। करिए मत, नई शादी हुई है ना तुम्हारी, इसीलिए बधाई देने आए हैं।
बाय द वे कांग्रेचुलेशन। हमारी शादी को तो 5 साल हो गए। लेकिन आपके पति की शादी तो कल ही हुई पैराडाइज हॉल में किसी सुरभि के साथ। ये सब हो क्या रहा है? नहीं क्या, कौन सी शादी? शादी कर ली ना दूसरी। अच्छा तो उस सुरभि ने तुम्हें फंसा ही लिया। हाँ तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनो। हम भी वही सुनने आए। चल क्या रहा है? देखो भैया अब ये मत बोलना कि तुम विनय कुमार नहीं हो और तुम्हारी शादी पैराडाइज हॉल में नहीं हुई है ना। अगर तुम्हारी शादी 5 साल पहले हो चुकी है तो जो कल हुआ वो क्या था? मौका अच्छा है, हमें और अपनी पत्नी को सफाई दे दो कि सच क्या है। वो शादी नकली थी। नकली शादी? ये नकली शादी क्या होती है? सब दिखावा था, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, यहाँ तक कि जिससे शादी हुई उस लड़की को भी नहीं। शादी तो एक प्लान का हिस्सा थी बस। कैसा प्लान? वो सब मुझे नहीं पता। कसम से मुझे काम करने के पैसे मिल रहे थे, मुझे कर्जा चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तब मुझे तरीका ठीक लगा। सोचा 2-3 घंटे का काम है बस। पिछले 2 महीने में ऐसी 3 नकली शादी कर चुका हूं मैं। उस शादी में बहुत बड़ा क्राइम हो रहा था और अब तुम भी उस क्राइम का हिस्सा हो, इसलिए जो कुछ भी जानते हो फटाफट अपना मुंह खोल के बता दो वरना तुम भी जाओगे जेल में। किसने पैसे दिए थे तुम्हें इस काम के लिए? इनमें से कोई? जी नहीं, मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया था इस काम के बारे में। कौन है तुम्हारा दोस्त और इस वक्त कहाँ है? अपनी आईडी दिखाइए, तलाशी लो इनके। आप कब आए? अभी अभी आए, बस अब ठीक हो जाएंगे सर। डॉक्टर साहब अभी आप। बलजीत जी आप ठीक है? बलजीत कैसा है? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से, बलजीत की जान को खतरा है। लेकिन ये तो पहले से बेटर फील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या हो? डॉक्टर साहब अरे इसी को बुला। क्या डॉक्टर? देखिए देखिए क्या हो। चल चल उठा उठा। अजीत अजीत क्या हुआ? अजीत जी, अजीत जी अविनाश कहाँ है? वी क्या वी विराज विराज बलजीत बलजीत नहीं पंकज, हाथ मत लगाओ, इनका चेहरा देखो, हाथ बिल्कुल वैसा ही हाल हुआ है जैसा उस डॉक्टर को हुआ है। सर ये विराज कौन है? हाँ ये विराज कहाँ से आ गया कहानी में? काश हम लोग बलजीत को बचाने के लिए कुछ कर पाते। समझ में नहीं आ रहा सर, ये बलजीत और डॉक्टर को हुआ क्या? दोनों की मौत जहर से हुई है, मैंने दोनों के टिश्यू सैंपल्स चेक किए, ज़ाइकैथलोन नाम के जहर से मौत हुई है दोनों की। जहर? तभी सर, तभी उनके हाथ पे और चेहरे पे वो निशान पड़ रहे। अरे लेकिन हम लोग तो वहीं पे खड़े थे, जहर उनकी बॉडी में गया कब? छूने से गया अभिजीत, ये जहर छूने से दूसरे की बॉडी में चला जाता है और फिर तुरंत ही ब्लड सिस्टम में चला जाता है और फिर हार्ट अटैक। मतलब जैसे ही डॉक्टर ने बलजीत को छुआ वो जहर बलजीत की बॉडी में चला गया। करेक्ट, मगर सर जहर डॉक्टर की बॉडी में कब गया? उसे भी किसी ने छुआ होगा।
बलजीत के रूम में एंटर होने से पहले। हाँ लेकिन किसने? ये हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सर यहाँ, यहाँ इस आदमी ने डॉक्टर साहब के हाथ में वो जहर ट्रांसफर किया होगा। बिल्कुल सर, लेकिन अगर इस आदमी के हाथ में जहर है तो इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? एंटीडोट, पंकज इस आदमी ने एंटीडोट लिया हुआ ना यार। उसके बाद ये डॉक्टर अंदर गया और इसने बलजीत को छुआ, लेकिन बलजीत मरने से पहले विराज का नाम ले रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही आदमी विराज? सर आज तक हम जहां तक ये केस में पहुंचे आज तक किसी ने विराज का नाम नहीं लिया। ये ना तो जयवंत ने ना प्रीति ने, विराज कौन है सर? जो भी है, अविनाश को ढूंढने और इस केस में आगे बढ़ने के लिए हमें इस विराज को ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बलजीत के घर चलते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधे। ड्रामा चलिए। कौन है आप लोग? विवाह में इस तरह बाधा क्यों डाल रहे हैं? सीएडी, हमें आपके दोस्त ने भेजा, बिनॉय। ये नाटक यहीं बंद करोगे या लॉकअप में जाके? पंडित जी इधर आइए, और दूल्हे दुल्हन बहुत शादी कर ली, यहाँ क्या हो रहा है सब? सर मैं कोई पंडित वंडित नहीं हूँ, मुझे तो पैसे मिले थे मंत्र पढ़ने के लिए, मुझे तो खुद ये सब नहीं पता है। मुझसे बोला गया था इन दोनों की शादी करवा दो। और आप लोगों को, आपको भी पैसे मिले थे? हमें दूल्हा दुल्हन बनने के लिए पैसे दिए गए थे। पंडित नकली, दूल्हा दुल्हन नकली, और आपको, आप सबको क्या मिला है? हाँ सच सच बताओ, ये तो यहाँ पे जितने हैं सब अंदर जाओगे। सर मुझे तो ये सिर्फ रिटर्न गिफ्ट दी गई है। पैसे किस खुशी में पैसे दिए जा रहे हैं आप लोगों को? इतने सारे गेस्ट के पास रिटर्न गिफ्ट में इतने पैसे, कोई मुंह खोलेगा? हमें कुछ पता नहीं सर, हमें तो सिर्फ इतना बोला गया कि आने वाले इलेक्शन में देवधर जी को वोट देना। देवधर सर, यहाँ पर तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैम चल रहा है। पैसे दे के वोट खरीदे जा रहे हैं। तो ये सारा प्लान इस देवधर का है। देवधर सील कर दो जगह को। देवधर जी, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए। देखिए ऑफिसर्स, मुझे लगता कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, आप क्रिमिनल के साथ मिलकर पैसों से वोट बैंक खरीद रहे थे, सब पता चल चुका है हमें। नकली नोटों की वजह से देश की इकोनॉमी पूरी तरह गिर जाती है, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद आपने उन एंटी नेशनल क्रिमिनल्स का साथ दिया। लोगों के भरोसे के बदले धोखा दिया आपने। इस देश को क्रिमिनल के साथ साथ गद्दार भी हैं। अब ये बताइए कौन कौन शामिल है इस मिशन में, और वो नकली नोट का कंसाइनमेंट वो कहाँ से आया? ऑफिसर इस कंसाइनमेंट के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। ये जरूर है कि मैं ये चुनाव जीतना चाहता था, पर इस तरीके से नहीं। देवधर जी, गद्दी के लिए क्या क्या होता है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो राजनीतिक उठापटक के लिए कानून के साथ तोड़फोड़ करते हैं, और मैं गद्दार भी नहीं हूँ, और मैं अपने देश के साथ तो ये कर ही नहीं सकता। कुछ हासिल नहीं होगा तुम लोगों को। पूरा घर छान मारा सर, यहाँ पे विराज के नाम से तो कोई है ही नहीं।
कहीं हमसे सुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई? 100% विराज बोला था बलजीत ने। ढूंढो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देवधर जी, इस फोटो में आपके पीछे जो आदमी खड़ा है, हमारी टीम के साथ एनकाउंटर में ये मारा गया और इस प्लान में भी इन्वॉल्व था। अब आप कहेंगे कि आप इसे भी नहीं जानते? यस सर, मैं इस आदमी को नहीं जानता। एक्चुअली क्या है सर कि मेरे जितने भी फंक्शंस हैं वो मेरा मैनेजर समीर ऑर्गेनाइज करता है सर। सर इसको क्या, ये जो पीछे बैठे हैं इनमें से किसी को मैं नहीं जानता और इस बंदे का तो मैं नाम भी नहीं जानता सर। मेरा विश्वास कीजिए मीर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा प्लान समीर का हो? हो सकता है। योदर जी, इस समीर को फोन करके यहाँ पे बुलाइए अभी इसी वक्त। और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए। ऑफिसर बलजीत और टीम का मिशन हुआ सफल। 15 साल पुराना आर्टिकल है। इतना पुराना आर्टिकल इतना संभाल के रखा है सर? ऑफिसर बलजीत और उसकी टीम ने बचाई मासूम की जान, गिरफ्तार किया आतंकवादियों को जिन्होंने उनको बंदी बना के रखा था एक सेफ हाउस में, और इसी के साथ हुआ ऑपरेशन विराज सफल। ऑपरेशन विराज? ये इनका ऑपरेशन था सर। तो हम सोच रहे थे कि आदमी है। सेफ हाउस में जाना पड़ेगा, शायद ये बलजीत हमें वहीं जाने के लिए बोल रहा था। मैं सेफ हाउस के बारे में जानता हूँ। गुड, लेट्स गो। समीर मेरा फोन नहीं उठा रहा, सच बोल रहा मैडम। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेडिंग वेन्यू से समीर को हमारे बारे में किसी ने खबर कर दी? कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया समीर? बड़े देवधर जी से समीर का फोटो और फोन नंबर ले लो और उसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो। समीर ही है जो हमें अविनाश तक पहुंचाएगा। कौन है? लॉक कर दिया? उधर है। बस अविनाश, ये हमारी सीक्रेट जगह छिपने की। जब भी हमारे मिशन में कोई गड़बड़ होती है तो हम लोग यहीं छिपते हैं। बलजीत क्या है, मुझे से इंपॉर्टेंट बात करनी। बलजीत का खून हो गया है। क्या, कैसे? उसको हॉस्पिटल में किसी ने जहर दे दिया। वो हॉस्पिटल में था, ये बात आपके अलावा किसको पता है? जयवंत, नाश, क्या पागल तो नहीं हो गया तू? तूने खून किया ना उसका? अरे मैं बलजीत को क्यों मारूंगा यार? तो किसने किया? अगर कोई बीच का आदमी इन्वॉल्व नहीं था तो हमारी टॉप सीक्रेट किसने लीक की? तूने की ना? बलजीत को तो वैसे पसंद नहीं था। मैं बकवास बंद कर अविनाश, और तू भी तो हो सकता है। अरे इतने दिनों से ठीक है फिर भी गायब है। बोलना बोलना तू। इधर आओ अविनाश।
अच्छा समीर, मेरे जितने भी फंक्शंस हैं वो मेरा मैनेजर समीर ऑर्गेनाइज करता है सर। और तुम? भाभी को कुछ नहीं हो सकता, आप लोग प्लीज कुछ भी कीजिए और मेरे पति को ढूंढिए। देवधर इलेक्शन में हारने वाला था, ये बात मेरी समझ में आ गई और मुझे पता था कि किसी भी सिचुएशन में उसे पावर में रहना था ताकि पॉलिटिक्स का गेम खेल के वो पैसे कमा सके। बस इसी सिचुएशन का मैंने फायदा उठाया था। तुम जानते थे कि अगर देवधर के पास पैसा आएगा तो तुम्हारे पास भी आएगा, है ना? प्रीति जी, इतनी सारी फंडिंग आई कहां से आपके पास? मैं फॉरेन बिजनेस टाइकून्स और कॉर्पोरेट्स के साथ डील किया करती थी। मेरा टारगेट था कि मनी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा नकली नोट भर सकूं। इसलिए तुम दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। तुमने वोट्स खरीदने के लिए पैसे सप्लाई करना शुरू किया और बदले में समीर इंफॉर्मेशन लीक करके तुम्हारा और तुम्हारी गैंग का ख्याल रखने लगा। लेकिन अविनाश को हमारे गैंग के बारे में पता चल गया और फिर तुम्हें अविनाश और बलजीत को मारना सही समझा। बलजीत को तो हमने संभाल लिया था, लेकिन अविनाश अविनाश बच के निकल गया क्योंकि पूरे एविडेंस के साथ। हमें किसी भी हालत में अविनाश तक पहुंचना था, इसलिए मैंने उसकी बीवी को मार दिया और अविनाश की बीवी बनकर हमारे सामने आ गई और ये पूरा नाटक किया। तुम हमसे अपना काम करवा रही थी क्योंकि तुम जानती थी कि सीआईडी किसी न किसी तरीके से अविनाश तक पहुंच ही जाएगी। अच्छा प्लान बनाया और प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता अगर एन मोमेंट पे हमारे आदमी गलती ना करते। राजू और मदन को किसी तरह पता चल गया कि उनके ट्रक में हम नकली नोट लेकर जा रहे हैं और फिर मेरे बेवकूफ आदमियों ने उन्हें मार के वही नदी में डाल दिया। गलत तरीके से पैसे कमाने के लालच में पांच पांच मासूम लोगों की जानें ली तुम लोगों ने। अगर भूल गए तुम कि जुर्म की उम्र भी उतनी ही छोटी होती है जितनी नकली पैसों की होती है। सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा। ले जाओ इन दोनों को। मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।